मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इज, ठीक है ना, इस एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी वन चेन सी वन प्लस सी टू करेंगे, यानी कि ये कॉलम वन, ये कॉलम टू, ये कॉलम थ्री है, तो इस कॉलम वन को चेंज करेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ कॉलम वन में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो वन हो जाएगा, और ये एक वन ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर टू आ जाएगा। सेकेंड कॉलम एज इट इज लिखना है आपको, और थर्ड कॉलम भी आपको एज इट इज लिखना है, इनमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम में ही चेंज करना है, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड करके फर्स्ट कॉलम में लिखना है। यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, और वन और वन यहाँ क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या आप अप्लाई करोगे, आर वन चेंज आर वन माइनस आर टू कर दो, है ना, आर वन में चेंज करोगे आर वन माइनस आर टू, यानी कि इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करके आर वन में लिख देंगे हम। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वन आ जाएगा, और इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो वन जीरो तो ये आ गया, बाकी यहाँ पर टू वन कॉस स्क्वायर एक्स कॉस टू एक्स साइन टू एक्स, ये तो एज इट इज आप लिख दोगे, ठीक है। अब इसको रो वन के करोस्पोंडिंग आप एक्सपेंड कर दो, तो यहां पर आ जाएगा माइनस वन, जैसे ये और ये कर दोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा, टू को इससे मल्टीप्लाई करोगे, टू साइन टू एक्स, ठीक है। ना इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टू साइन टू एक्स आएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस कॉस टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स तो प्लस का हो जाएगा, माइनस टू साइन टू एक्स ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस साइन आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो, ठीक है। ये आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स की जो है आपको निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, इसका कोफिशियंट क्या है वन, और इसका यहाँ पर इसका आगे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये टू है, तो इस वन का स्क्वायर और इस माइनस टू का स्क्वायर आप करोगे और इसका स्क्वायर रूट करोगे, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, रूट फाइव आ जाएगी, तो रूट फाइव आपका आंसर हो जाएगा। अगर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इस तरीके से अगर आपको दिया हुआ है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने कंपेयर करके ये वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पर आपका रूट फाइव ऑप्शन थ्री जो है करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तीन इक्वेशन दे रखी हैज नो सॉल्यूशन, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डी निकालो, डी या फिर डेल्टा एक ही बात है, के वन 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 के वन और वन वन के, ठीक है, ये आपका डेल्टा आ गया। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो के इंटू के स्क्वायर माइनस वन के माइनस वन प्लस वन वन माइनस के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा के क्यूब माइनस के प्लस वन माइनस के, ठीक है। तो के क्यूब माइनस थ्री के प्लस टू ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको पता लगा के माइनस वन का होल स्क्वायर के प्लस टू ये आपको मिला, ठीक है ना। अब फोर के इज इक्वल टू वन, फोर के इज इक्वल टू वन, डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है। तो इससे तो आपको पता लगेगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ नो सॉल्यूशन वाली बात करनी है हमने को, यहाँ आपसे क्या बोला है, हैज नो सॉल्यूशन। तो फोर के इज इक्वल टू वन तो ये क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसको तो हम छोड़ें, लेकिन हम यहाँ पर देखें बट
के इज इक्वल टू माइनस टू एट लीस्ट वन आउट ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री आर नॉट जीरो, ठीक है ना, इनमें से कोई एक जो है जीरो नहीं है, हेंस फॉर नो सॉल्यूशन के इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, माइनस टू आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से आपको कंडीशन पता लग रही है कि डी की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, अगर के की वैल्यू वन रख रहे हैं तो, और डी वन डी टू डी थ्री डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री वो भी आपके जीरो आ रहे हैं, तो ये तो कौन सी कंडीशन हो जाती है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की हो जाती है, लेकिन यहाँ नो सॉल्यूशन की कंडीशन कह रहे हैं, तो के इज इक्वल टू माइनस टू पर जो है नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि डी तो जीरो हो ही रहा है, साथ के साथ क्या हो रहा है, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में से कोई एक जो है वो आपका जीरो नहीं है, तो यहां पर k इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और x की वैल्यू है जीरो से पाई के बीच में, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, तो ये आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है, तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगाओगे R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें आपको चेंज करना है और इन तीनों को आप जोड़ना है, इन तीनों को आपको जोड़ना है, इन तीनों को आपको जोड़ के यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 2 प्लस 4 साइन 2x मिलेगा आपको, ठीक है ना, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, 1 1 1 आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट रो में, आप देख लो यहाँ पर जैसे ये है और ये है, इन सबको जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐड करेंगे तो 1 बनेगा, 1 प्लस 1 2 बन जाएगा और 4 साइन 2x यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 4 प्लस 4 साइन 2x ही बन रहा है, राइट, इसी तरीके से यहाँ भी ये 1 बन रहा है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 4 साइन 2x बनेगा, यहाँ भी ये 1 बन रहा है तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा और 4 साइन 2x बन जाएगा, तो उसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 1 1 बचा आपकी रो 1 में और इसको हमने बाहर कर दिया, राइट, अब नीचे तो आपका जो सेकेंड रो और थर्ड रो है वो एज इट इज आपको लिखनी है, कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x 4 साइन 2x 1 प्लस 4 साइन 2x, ठीक है, अब यहां से आप देख पा रहे हो कि या तो ये जीरो होगा या ये जीरो के इक्वल होगा, तो इसको हम जीरो के इक्वल करेंगे 2 प्लस 4 साइन 2x को, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 4 साइन 2x इज इक्वल टू माइनस 2, तो साइन 2x इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 4 यानी कि माइनस 1 बाय 2, तो यहां से आपको पता लगा साइन 2x जो है माइनस 1 बाय 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस पाई बाय 6, जनरलाइज फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस पाई बाय 6 और यहां भी आपका डिवाइड बाय 2, अब n की जगह आप यहां पर जब 1 रखोगे तो ये आएगा पाई बाय 2 प्लस यहां 1 रखा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पाई बाय 12, ठीक है, और एन की जगह आप यहां 2 रखोगे तो यहां आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 12, ठीक है,
तो पाई बाय टू प्लस पाई बाय ट्वेल्व और पाई माइनस पाई बाय ट्वेल्व आपका यहाँ पर आंसर आएगा। आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर। ऑप्शन फोर यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसका यहाँ पर एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम लोगे तो यहाँ 6 पाई प्लस पाई बचेगा, तो ये तो हो गया 7 पाई बाय 12। ठीक है, यहाँ 12 एलसीएम लोगे तो यहाँ 12 पाई माइनस पाई आ जाएगा, तो ये आपके पास यही आ जाएगा यहाँ पर 7 पाई बाय 12 और 11 पाई बाय 12। ठीक है ना, तो ये फाइनल आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा बीटा गामा आर द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रियल रूट है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, ए और बी नॉट इक्वल टू 0 है। इफ द सिस्टम इन द इक्वेशंस इन यू वी डब्ल्यू गिवन अल्फा यू प्लस बीटा वी प्लस गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, बीटा यू प्लस गामा वी प्लस अल्फा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, गामा यू प्लस अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी इज, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं जो कि रियल रूट्स हैं, और ए बी सी भी आपके रियल नंबर हैं और ए बी जो है नॉट इक्वल टू 0 है ना। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन यू वी डब्ल्यू वो इस तरीके से आपको दी हुई है यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में, तो यहाँ पर आप अल्फा बीटा गामा इनसे बना हुआ डिटर्मिनेंट जो होगा, ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है तीनों में, इनसे बना हुआ इनके यू वी डब्ल्यू के कोफिशियंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट, जैसे अल्फा बीटा गामा, फिर यहाँ है बीटा गामा अल्फा, ठीक है यहाँ आ जाएगा बीटा गामा अल्फा, और लास्ट में है गामा अल्फा बीटा, गामा अल्फा बीटा ये 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करने पर यहाँ पर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस साइन के साथ, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। कुल मिला के इसको एक्सपेंड करके हमने इस तरीके से लिख लिया, कॉमन ऑन लेकर के फाइनलाइज ये आ गया। समीशन ऑफ अल्फा बीटा का क्या मतलब है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करते हुए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ए बाय वन। ठीक है, तो इसकी जगह तो हमने क्या लिख दिया, माइनस का ए लिख दिया, तो माइनस माइनस का ए। ठीक है ना, और इसकी वैल्यूज भी हमने यहां पर पुट कर दी, ये आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस टू बी माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ये बच्चों ये वैल्यू हमने डायरेक्ट लिखी है, कैसे लिखी है, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू माइनस ए के है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, इस मतलब दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहां से आपकी क्या आती है वैल्यू, बी बाय ए आती है, तो बी तो ये आ गया और ए यहाँ पर क्या है, वन है ना, इसका एक्स क्यूब का कोफिशियंट, मतलब एक्स क्यूब का कोफिशियंट लिखते हैं तो वो तो वन ही है, इसकी वैल्यू बी आ गई। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा टू बी, तो ए स्क्वायर माइनस टू बी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, है ना, क्योंकि इस टू बी को भी आप क्या करोगे, इस साइड ले जाओगे, तो ए स्क्वायर माइनस टू बी तो ये आ गया, और इसकी वैल्यू क्या थी, बी थी, माइनस साइन ये है ही सही, तो यहाँ पर ये बी आ गया। इस तरीके से इसको लिखा हमने, तो यहाँ ए आया और ये आया ए स्क्वायर माइनस थ्री बी इज इक्वल टू 0। ठीक है।
यहां से क्या चीज मिली है आपको, अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था ए तो जीरो हो नहीं सकता, तो ए स्क्वायर माइनस थ्री बी जीरो के इक्वल होएगा, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, थ्री बी के इक्वल हो गया। अब यहां से आपसे पूछा क्या है, ए स्क्वायर अपॉन बी पूछा है, तो वो थ्री के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीजें काम आई, एक तो नॉन ट्राइवल के लिए इसका जो है डिटर्मिनेंट, ये तीन इक्वेशन दे रखी है उसको आपको जीरो के इक्वल करना है, उसको एक्सपेंड करा हमने, एक्सपेंड करने के बाद हमको ये इक्वेशन मिली, और इसको हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वहां पर हमने करा जो रूट्स है उनका सम निकाला, इसका स्क्वायर करा दोनों तरफ, और इससे ये सेकंड वाली जो टर्म थी उसकी भी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके रख दी, ए स्क्वायर माइनस टू बी करके, ठीक है। इसकी जगह तो माइनस ए आ गया और इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस टू बी आ गया, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जगह माइनस ये बी आ गया, राइट। देन इसको सोल्व करा, अब हमने क्वेश्चन में दे रखा है ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये तो नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, तो फिर ये वाले टर्म आपकी इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन मिला, और हमको पूछा क्या है, ए स्क्वायर अपॉन बी पूछा है, तो यहाँ से आपको क्या मिला है, थ्री आंसर मिल गया। तो है ना मजेदार सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, जेई मेन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है सवाल, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से करिए आप, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी सवाल 2021 का, 25 सवाल आए हैं बच्चों, 25 क्वेश्चन आए, 4 बार एग्जाम हुआ है, उसमें 25 क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने डिटर्मिनेंट के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा डिटरमिनेंट का, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो 4 नंबर है ये, आप सारे सवाल करके अच्छे से जाइए। अब तो कुछ पोर्शन हटा भी दिया इन्होंने, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2021 में तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी आया था, पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप करोगे तो प्रॉपर्टीज भी आप पढ़ लो तो बेहतर होगा, क्योंकि क्या है क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी इजी हो जाती है, क्रेमर रूल भी आपको अच्छे से पढ़ना है, हालांकि वो सिलेबस से हटा दिया गया है लेकिन उसको आप पढ़िए, क्योंकि जेई एडवांस में भी वो चीजें काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको दे रखी है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीन इक्वेशन दे रखी है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की बात करिए कौन सा यहाँ पर ट्रू होगा, तो वही ये डिटर्मिनेंट को आप जीरो करोगे, 4 लैम्डा 2 2 माइनस 1 1, और यहां से आ जाएगा μ 2 3, ठीक है। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो यहां से 2 μ - 6 λ + λ μ = 12 ये मिल रहा है इसको एक्सपेंड करने पर, ठीक है ना, इसको हमने एक्सपेंड करा तो हमको ये मिला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन म्यू की वैल्यू आप 6 ले रहे हो, म्यू की वैल्यू 6 ले रहे हो, तो आप यहाँ पर म्यू की वैल्यू 6 रख दो, 12 - 6λ + 6λ = 12, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 12 = 12 मिल गया, यानी कि विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्या पता चला यहां से, विच इज सेटिस्फाई ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, क्योंकि ये लैम्डा वाली टर्म तो आपकी कटेगी, है ना, तो विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा तो बिलोंग्स टू आर हो गया, और म्यू की वैल्यू आपकी जो है वो 6 हो गई, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। सो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर जेई मेन एग्जामिनेशन 2024।